तो आज हम लोग G7 के बारे में देखेंगे। ये UPSC प्रीलिम्स और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम है, उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। G7 क्या है? G7 जो है एक ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का ये ग्रुप है, जो कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान रखिएगा, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टैब्लिशमेंट या जो फॉर्म्ड हुआ है ये 1975 में हुआ है। और ये जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैं ये एनुअली मिलते हैं, मतलब हर साल मिलते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? ये कॉमन इंटरेस्ट के इश्यूज हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के इश्यूज हैं, या इंटरनेशनल सिक्योरिटी मतलब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, और जो एनर्जी पॉलिसी है मतलब ऊर्जा से संबंधित जो नीति है उनके बारे में ये डिस्कस करते हैं। और G7 कंट्रीज कौन कौन से हैं तो आपको ध्यान रखना है, UK है, कैनेडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और US है। तो ये सारे कंट्रीज जो हैं ये G7 कंट्रीज हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि G7 के जो कंट्रीज हैं ये G20 के भी कंट्रीज हैं। इट मीन्स G7 कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ G20, तो आपको ये ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि G7 कंट्रीज जो है उनके पास एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं है, और फिक्स्ड हेडक्वार्टर भी नहीं है इनका, मतलब इनका जो मुख्यालय है वो फिक्स नहीं है, इनके पास कोई औपचारिक संविधान नहीं है। द डिसीजन टेकन्स बाय द लीडर्स ड्यूरिंग एनुअल समिट्स आर नॉन बाइंडिंग्स, जो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वार्षिक जो सम्मेलन होता है उसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं ये बाध्यकारी नहीं होते, नॉन बाइंडिंग होते हैं नेचर के। कहना चाहता हूँ कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है, राइट, अफ्रीका से लैटिन अमेरिका से, वो इसमें देश इसके मेंबर नहीं हैं। इकोनॉमीज हैं जैसे कि इंडिया है, ब्राज़ील है, राइट, ये मेंबर नहीं हैं G7 में। तो G7 में इंडिया भी मेंबर नहीं है और ब्राज़ील भी मेंबर नहीं है। G7 कंट्रीज हैव नो मेंबर नेशंस फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सही है, G7 कंट्रीज में कोई भी जो है देश सदर्न हेमिस्फीयर से नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, ऑल द मेंबर्स ऑफ द G7 ग्रुप आर, ऑल द मेंबर्स ऑफ द G7 ग्रुप आर मेंबर ऑफ G20, तो ये भी बात सही है। तो मतलब G7 जो ब्लॉक है ये इंडस्ट्रियलाइज डेमोक्रेसीज हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, और UK हो गया, जापान हो गया, US हो गया, कनाडा हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1975 में फॉर्म हुआ है, और ये एनुअली मिलते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। और G7 के पास कोई अपना संविधान नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है, और ये नॉन बाइंडिंग होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया जो है ये इसमें इन्वाइट किए जाते हैं, किसके लिए? पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इनको गेस्ट कंट्रीज कहते हैं। तो इंडिया जो है वो G7 का पार्ट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो 47 समिट हुआ था, 47th G7 समिट हुआ था 2021 में, उन्होंने एक कैरिबीज बे डिक्लेरेशन साइन किया था, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसका उद्देश्य ये है कि जो प्रिवेंटिंग फ्यूचर पैंडेमिक है उनको कैसे जो है रोका जाए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज सिंस 2014। तो ये जो है भारत जो है इसका सदस्य देश नहीं है, जैसे कि आपको पता है। द कैरिबीज बे डिक्लेरेशन इज साइंड बाय G7 कंट्रीज टू प्रिवेंट साइबर अटैक्स। तो ये जो है आप देखेंगे कि ये जो आंसर है ये नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो ये डिक्लेरेशन किया है ये पैंडेमिक को प्रिवेंट करने के लिए, फ्यूचर में ना हो इसके लिए है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका गलत है, कि सेकेंड ऑप्शन जो है ये साइबर अटैक का नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ये भी आपका गलत हो गया। तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लीडर्स ऑफ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यूरोपीय यूनियन है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस है, इनको भी इन्वाइट किया जाता है इनकी मीटिंग में। और 47th जो समिट हुआ है ये जुलाई 2021 में हुआ है, 2020 में जो समिट हुआ है G7 का, जो 42nd समिट है, बट ये G20 का जो समिट है नहीं हो पाया था बिकॉज पैंडेमिक था। और 45th जो समिट हुआ है G7 का, ये आपका फ्रांस में हुआ है। G7 ग्रुपिंग, ऑल ऑफ द G7 कंट्रीज आर हेल्ड इन द यूनाइटेड किंगडम।
तो आप देखेंगे कि ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा, द हेडक्वार्टर ऑफ द G7 ग्रुपिंग इज लोकेटेड इन नागोया, ये भी सही नहीं है क्योंकि इनका हेडक्वार्टर होता नहीं है। तीसरा जो है, फिक्स हेडक्वार्टर नहीं होता है। तीसरा, द डिसीजंस टेकन बाय द लीडर्स इन G7 समिट आर नॉट बाइंडिंग। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि इनका बाध्यकारी नहीं होता इनके निर्णय, तो इस प्रकार से इसमें देखें कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो तीसरे स्टेटमेंट सही है। तो मैंने आपको G7 के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट रिविजन के लिए चीजें हैं वो मैंने आपको बताई हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू।